हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो है फिर जो है हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज का नया टॉपिक क्या है? इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मीन, इनइक्वालिटीज इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग मीन्स, जैसे क्या इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग मीन्स, जैसे लेट एंड बी आर टू पॉजिटिव नंबर लेट ए इफ देर आर ए एंड बी आर टू पॉजिटिव नंबर इफ देर आर सच दैट ए इज अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन मीन एम इक्वल टू ए इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू। देर आर ज्योमेटिक मीन्स मीन्स जी एम जी इज इक्वल टू रूट ए बी एंड हार्मोनिक मीन एच एम इक्वल टू टू ए बी अपॉन ए प्लस बी एंड हार्मोनिक अरिथमेटिक मीन इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू ज्योमेटिक मीन ए बी अरिथमेटिक मीन इट मीन्स इफ वी हैव ए माइनस जी मीन्स ए प्लस बी बाई टू माइनस रूट ए बी इट मीन्स ए प्लस बी माइनस टू रूट ए रूट बी इट मीन्स रूट अपॉन टू रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर माइनस टू रूट ए रूट बी अपॉन टू रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन टू। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर एंड देयर स्क्वायर एंड हाफ विल बी इज ग्रेटर देन जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हेंस ए इज ग्रेटर देन जी हेंस ए इज ग्रेटर देन जी। Similarly, we have g minus h equal to g value कितनी है root a b minus h means 2 a b upon a plus b 2 g b 2 root a b into a plus b it means root a b बाहर आ गए क्योंकि ए प्लस बी माइनस टू ए बी अपॉन ए प्लस क्या क्या रूट ए बी ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी अब क्या कह दिया इसको ये इसको इसको कह दो रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का
होल स्क्वायर रूट ए बी ए प्लस बी माइनस टू ए बी ए प्लस बी, इन दोनों ने रूट ए बी को मैं ले लिया, ये क्या आ गया ए प्लस बी माइनस टू रूट ए बी सपोज ए प्लस बी, इट मीन्स रूट ए बी डियर रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। इट मीन्स इफ ए बी आर टू पॉजिटिव नंबर देन देयर प्रोडक्ट एंड सम ऑफ इट इज द पॉजिटिव इट विल बी द पॉजिटिव इट विल बी द पॉजिटिव दैट सम ऑफ टू नंबर विल बी पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव डिफरेंस एंड देयर स्क्वायर विल बी पॉजिटिव हेंस हेंस divided by will be positive if hence it will be is greater than equal to 0 hence it means we have g is equal to h yani kya aaya a is greater than by first ye maan le first equation hai ye kya hai ye second equation hai by equation of first and second ye a is greater than g is greater than h kya agar arithmetic mean is always greater than geometric mean is always greater than if a is equal to b if a is equal to b then a is equal to g is equal to h a is equal to g is equal to h if there are two number a and b two positive then arithmetic mean is always greater than geometric mean is always greater than harmonic mean. Similarly, if there are two positive number, if a is equal to b, then a is equal to g is equal to h. Any arithmetic mean is equal to geometric mean is equal to harmonic mean. ये इनके equal के बराबर होते हैं. Prove that b square c square plus c square a square plus b square is greater than 0 is greater than a b c a plus b is greater than a b c a plus b plus c where a b c is greater than 0 where ए बी सी इज ग्रेटर देन थ्री. तो ये प्रूव करना है बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी सी ए बी प्लस सी वेयर ए बी सी इज ग्रेटर देन जीरो. वी नो दैट इज द वी नो दैट वी नो क्या होता है अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन. इट मीन्स if b c b square c square there are two number means b c and there are two number b c square c and c square a there are two number b square c and c square a
It means for b square c square plus c square a square upon 2 in more geometric means is greater than equal to e. It means b square c square c square a square is greater than 2abc. रह जाएगा बी स्क्वायर में से बी इस सी स्क्वायर में से टू बी सी सी स्क्वायर दो बार आएगा ना सी सी स्क्वायर. सिमिलरली अब किसको सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर में से क्या जाएगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर is greater than 2BCA square. Similarly, A square, B square and B square, C square. Mala is the first inequality hai. The second hai. Similarly, A square, B square and B square, C square kya jayega? A square, B square plus B square, C square is greater than kya jayega? 2 ए सी बी स्क्वायर. ये आ गई थर्ड इनइक्वालिटी. ये क्या आ गई थर्ड इनइक्वालिटी. इट मीन्स बाय द फर्स्ट एंड थर्ड बाय द फर्स्ट एंड थर्ड वी हैव बाय फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड बाई यूजिंग द फर्स्ट एंड थर्ड इन्हें क्या कर लिया इनको एड कर लिया. क्या कर लिया ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर टू ए बी स्क्वायर क्या आएगा टू बी सी स्क्वायर टू सी स्क्वायर ए टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर. इट मीन्स टू ए बी सी स्क्वायर प्लस टू बी सी सी स्क्वायर टू बी सी ए स्क्वायर प्लस टू ए सी बी स्क्वायर. इन्होंने दो कॉमन ले लिया बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों को तीन ले लिया और इन तीनों में क्या कॉमन ले लिया टू ए बी सी मीन्स ए प्लस बी प्लस सी. इट मीन बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू टू से टू जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा ठीक है. बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इट मीन टू ए बी सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी आएगा. ये इसके इक्वल आ जाएंगे ठीक है भैया. आगे बढ़ते हैं जैसे क्वेश्चन है देखो इफ ए बी सी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर इफ ए बी सी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स If A, B, C are distinct positive real number such that A plus B, C
such that a plus b plus c equal to 1, a plus b plus c equal to 1, then prove that 1 upon a, 1 plus b, 1 plus c, 1 minus a, 1 minus b, 1 minus c, find that. Then find x. ए बी सी आठ जिसमें पॉजिटिव नंबर है, इस तरह गिवन है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू वन. तो प्रूव करना है या इसकी प्रूव करना है इसकी इक्वल टू ये या इसकी एक्स की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स की वैल्यू निकालनी है. एक्स की वैल्यू किससे निकालते हैं? गिवन है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू वन, ये गिवन है भाई, गिवन है ना. इसका यूज कर लेंगे, क्या यूज कर, किससे यूज कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं a इक्वल टू 1 माइनस बी माइनस सी. ए इक्वल टू क्या कर ले, 1 माइनस बी इंटू माइनस सी. अब मुझे चिकचाता गया यहाँ 1 प्लस ए, इट मीन्स 1 प्लस ए, 1 प्लस ए इक्वल टू क्या आएगा, 1 प्लस 1 माइनस बी माइनस सी. वी कैन दिस राइट 1 प्लस बी 1 माइनस सी. इट मीन इफ देर आर टू नंबर 1 माइनस बी एंड 1 माइनस बी यूजिंग ए अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, इट मीन्स 1 माइनस बी प्लस 1 माइनस सी अपॉन 2 इज ग्रेटर देन 1 माइनस बी एंड 1 माइनस सी का प्रोडक्ट. इट मीन्स वी हैव दैट, इट मीन्स 1 प्लस ए, इट मीन्स 1 प्लस ए इज ग्रेटर देन, इसकी मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 1 माइनस बी 1 माइनस सी. 1 प्लस ए इक्वल टू 1 प्लस ए इक्वल टू 1 माइनस बी 1 माइनस सी. सिमिलरली 1 प्लस बी इक्वल टू, सिमिलरली 1 प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस ए 1 माइनस सी. Similarly, 1a, 1b, 1 plus c is equal to 2 into 1 minus b, 1 minus a. It means, अब इनमें की क्या कर लिया, multiply कर ली, क्या कर देंगी, multiply कर ली, क्या जाएगा, यहाँ ले ये तो पहले inequality है, ये कौन सी इनक्वालिटी है, सेकंड इनक्वालिटी है, ये कौन सी है, थर्ड इनक्वालिटी है. मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, क्या आएगा, 1 प्लस ए मल्टीप्लाई 1 प्लस बी मल्टीप्लाई 1 प्लस सी. Is greater than 8, 2, 4, 8. ये 1 minus b, यहाँ है 1 minus 2 बार है 1 minus b, क्या आएगा 1 minus a, 1 minus b, and 1 minus c. It means, ये इसके नीचे जाएगा, क्या आएगा 1 plus a, and
x is equal to a is less than 1 plus a 1 plus b 1 plus c is always greater than a. क्या था एक गिवन है a प्लस बी प्लस सी, इन दोनों में से एक एड एक प्लस कर दिया, फिर वो दोनों को 1 माइनस बी 1 माइनस सी ले लिया. यूजिंग द अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन जियोमेट्रिक मीन, जब ये इससे बड़ा होगा ये तो ये 2 को मल्टीप्लाई करके यहाँ जाएगा, इसको यहाँ लिख लो डायरेक्ट ये. तो जब ये इसके इक्वल है तो ये इससे ग्रेटर देन होगा, तो 1 प्लस ए इज ग्रेटर देन ए. सिमिलरली 1 प्लस बी की इनक्वालिटी यहाँ क्या आएगी, 1 प्लस सी की, इनको मल्टीप्लाई कर दी एल एच एफ और आर एच एफ की मल्टीप्लाई कर देंगे, इन इनक्वालिटी ये इसके नीचे जाएगा. तो 1 प्लस ए प्लस 1 प्लस बी 1 प्लस सी अपॉन 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी इज ग्रेटर देन ए. आगे बढ़ते हैं. क्या फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू हो, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू हो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू हो 4 की पावर साइन स्क्वायर एक्स, 4 की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 की पावर फोर स्क्वायर एक्स और एक्स नॉट वन. फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 4 की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 की पावर 4 स्क्वायर एक्स. वही है मेरे पास सिंपल फॉर्मूला, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन. बिटवीन किसी के बीच निकाल लो, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन. 4 साइन की पावर एक्स एक ए है मान लिया, ये क्या है बी, तो क्या होगा 4 साइन स्क्वायर एक्स क्या गया 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इज ग्रेटर देन 4 की पावर साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई 4 और कोस स्क्वायर एक्स होल और साइन स्क्वायर एक्स क्या आएगा 4 की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 की पावर 4 स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन 2 मल्टीप्लाई. अब ये 4 भी है दोनों जुड़ जाएंगे, क्या आएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये क्या आएगा 4 की पावर साइन स्क्वायर एक्स 4 की पावर cos square x is greater than 2 into sure. मैक्सिमम वैल्यू इज 4, मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी मैक्सिमम वैल्यू होगी 4 पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 स्क्वायर स्क्वायर, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 4 वैल्यू. ठीक है वो ये एम जी एम का फॉर्मूला लगा दे सीधा तो 4 कर दिया इज ग्रेटर देन 4, हेंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 4 साइन स्क्वायर एक्स 4 कोस स्क्वायर एक्स विल बी 2 4. आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं अपने. जैसे
Yes, simple mean. Simple means of an positive mean. Simple mean of an positive number. Simple means of n positive number. Let n positive numbers are let n positive numbers are A1, A2, A3, A4 up to n. Let n positive numbers are A1, A2, A3, A4 up to AN and their arithmetic means will be there. We know that arithmetic means will be A1 plus A2 plus A3 up to AN upon N. Geometric means, means A1, A2, A3 up to AN to the power 1 by N. And harmonic means equal to N upon 1 upon A1 plus 1 upon A2, 1 upon A3 arithmetic means equal to A1 plus A2, A3 upon AN upon N. Geometric means A1, A2, A3, A2 to the power N by 1 by N. Harmony means N upon 1 upon A1, 1 upon A2, 1 upon 3, 1 upon N. There are the three formula we have already learned. Kipa question lagate hain, dekho kya hai, kis tarah question bhi banta hai. Let A, B, C are three positive numbers. And let A, B, C are three positive numbers. There arithmetic mean AM and GM are geometric mean and HM are harmonic mean. There arithmetic means AM means arithmetic mean, GM means arithmetic mean. There are arithmetic mean respectively. मतलब जिनके रिस्पेक्टिव पहले अर्थमेटिक मीन है, फिर ज्योमेट्रिक मीन्स है, फिर क्या है हार्मोनिक मीन्स है. ये हार्मोनिक मीन्स है. अर्थमेटिक मीन्स रिस्पेक्टिवली ए जी एच, ए जी एंड एच. इन अर्थमेटिक मीन्स ए, ज्योमेट्रिक मीन जी एंड हार्मोनिक मीन्स देन प्रूव दैट then prove that equation having
इक्वेशन का पूरा इक्वेशन हैविंग एबीसी रूट ये एफ क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री जी स्क्वायर अपॉन एच एक्स माइनस जी क्यू इज इक्वल टू जीरो, ये प्रूव करना है. वी हैव इफ अर्थमेटिक मीन मीन्स ए नंबर इज ए ए बी सी देन ए इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री देन ए इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन थ्री. इट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू थ्री ए. सिमिलरली जी इज इक्वल टू ए बी सी की पावर वन बाई थ्री. इट मीन्स जी क्यूब इज इक्वल टू ए बी सी. इट मीन्स ये सेकेंड आ गई, फर्स्ट आ गई. एंड थर्ड सिमिलरली वन अपॉन एच इज इक्वल टू वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी अपॉन सी. वन अपॉन एच इक्वल टू वन अपॉन ए वन अपॉन बी वन अपॉन सी. इट मीन्स एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया ए बी सी. अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन थ्री. इट मीन्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन वन अपॉन एच इज इक्वल टू थ्री ए बी प्लस बी सी. इट मीन्स गिवन थ्री जी स्क्वायर अपॉन एच. वी हैव थ्री जी की पावर थ्री ए थ्री जी और वी हैव थ्री जी की पावर थ्री एच. We have 3 g power 3 h. 3 g power 3 upon h. 3 to 3 आ गया. g power 3. 3 a b c. 3 a b c and 1 upon h is equal to a b c upon 3 a b c. It means 1 by h. थ्री इंट वन बाई एच इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा ये मल्टीप्लाई बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी सी. थ्री ए बी से थ्री ए बी सी क्या आ गया थ्री ए बी प्लस बी सी प्लस सी. इट मीन थ्री जी क्यू अपॉन एच इज इक्वल टू थ्री ए बी क्यू. वी हैव अब पुट दिस वैल्यू इफ इक्वेशन हैव द रूट ए बी सी. इफ इक्वेशन रूट हैव द ए बी सी देन इक्वेशन क्या है देन इफ ए बी सी आर रूट देन इक्वेशन है एक्स की पावर थ्री माइनस सम ऑफ रूट ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू एक्स माइनस ए बी सी इक्वल टू टू. ये तो होती है भाई अगर कोई इक्वेशन के ये तीन रूट हो सम ऑफ द रूट इंटू एक्स स्क्वायर फिर दो दो को मल्टीप्लाई सम ऑफ देयर सम एंड प्रोडक्ट देयर सम. ये इसका इक्वेशन होती है थ्री पावर की. ठीक नहीं है जिसकी डिग्री थ्री हो ये होता है. अब इसकी वैल्यू रख दूंगा एक्स की पावर थ्री ए बी सी
इट मीन्स ए बी सी इक्वल टू 3 ax² 3 ax² प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस सी 3 3 जाएगा जी स्क्वायर अपॉन एच जी क्यूब 3 g क्यूब अपॉन एच क्या आएगा 3 g क्यूब अपॉन एच ये क्या आएगा 3 g क्यूब अपॉन एच माइनस जी क्यूब इक्वल टू सी क्या एक्स क्यूब माइनस 3 ax² प्लस 3 g क्यूब अपॉन एच सी एस टी क्या आ गई ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है टॉपिक AMGL इनइक्वालिटी AM मीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इनइक्वालिटी अरिथमेटिक मीन इनइक्वालिटी अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन लेट इफ देर आर नंबर a1 a2 a3 a4 अप टू an देर आर n रियल नंबर देर आर n रियल नंबर देन देर i इक्वल टू 1 टू n ai अपॉन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू a1, a2, a3 अप टू an की पावर n सिंपल है फोर एन जे नंबर के लिए a1, a2, a3, an इक्वल टू क्या होता है इन सबके n के इक्वल है अब क्या है ज्योमेट्रिक अब इसमें क्या है ज्योमेट्रिक ये तो अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन के लिए है अब क्या है ज्योमेट्रिक हार्मोनिक मीन इनइक्वालिटी ज्योमेट्रिक हार्मोनिक इनइक्वालिटी अब क्या है ज्योमेट्रिक हार्मोनिक इनइक्वालिटी ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक हार्मोनिक इनइक्वालिटी ज्योमेट्रिक हार्मोनिक इनइक्वालिटी मीन ज्योमेट्रिक हार्मोनिक इनइक्वालिटी में क्या है लेट वो है लेट a1 a2 a3 अप टू a4 अप टू n आर रियल नंबर
A1 8 was a number है, then geometric mean will be greater than to harmonic mean. It means geometric means A1, A2, A3, A4, up to AN is greater than equal to N upon 1 upon A1, 1 upon A2, 1 upon A3. One upon A. It means अच्छा इसका मैं रिवर्स कर देता हूँ, फिर क्या कर देता हूँ मैं उल्टा कर देता हूँ, क्या जगह ये एन वन अपॉन ए वन वन अपॉन ए वन प्लस वन अपॉन ए टू वन अपॉन ए थ्री अब टू वन अपॉन ए एन और नीचे जाएगा वन अपॉन एन. अब इसकी न्यूक्लियरिटी ये क्या जाएगी बढ़ जाएगी, ये रिवर्स हो जाएगी, ये आएगा वन अपॉन ए वन वन अपॉन ए टू वन अपॉन ए थ्री अब टू वन अपॉन ए एन. ये आ जाएगी भैया ए ए अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक इनइक्वालिटी फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स, कौन से पॉजिटिव रियल नंबर्स क्या है इनके लिए जाएगी वन अपॉन ए वन वन अपॉन ए टू वन अपॉन ए थ्री वन अपॉन ए फोर अप टू वन अपॉन ए एन. ए एन नंबरों के लिए ये इनइक्वालिटी हो जाएगी, क्या जाएगी ये वन अपॉन ए वन वन अपॉन ए टू वन अपॉन ए थ्री वन अपॉन ए एन के लिए क्या जाएगी वन इसका जो है हार्मोनिक मीन उनकी ज्योमेट्रिक मीन के ये इसके आ जाएगी. आई बात में भाई देखिए क्वेश्चन लगाते हैं इसके को जैसे तो क्या क्वेश्चन है भाई लेट इफ ए प्लस बी इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो देन प्रूव दैट वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन जी ग्रेटर देन ए
क्या है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वन, 8/27 ए बी सी इज ग्रेटर देन 1/(a-1), 1/(b-1), 1/6 इज ग्रेटर देन एन, वेयर ए बी सी इज ग्रेटर देन जीरो। गिवन क्या है, गिवन है ये गिवन है, तो 8/27 ए बी सी इज ग्रेटर देन, ये क्या जाएगा 1-a/a, 1-b/b, ये क्या जाएगा 1-c/c इज ग्रेटर देन 8। ये 8/27 ए बी सी जाएगा 1-a, 1-b, 1-c अपॉन ए बी सी इज ग्रेटर देन ए बी सी, ए बी सी की तीनों से क्या करते मल्टीप्लाई कर दी, क्या आ गया 8/27 इज ग्रेटर देन 1-a, 1-b, 1-c, 8abc इज ग्रेटर देन क्या आ गया 8abc। अब इसका मतलब क्या आ गया, अभी तीन फंक्शन है, वन मान ली तीन फंक्शन है, ये तो मान ली पहली की, अभी तीन फंक्शन है 1-a, 1-b, 1-c, तीन नंबर है, तीन पॉजिटिव, अगर ये तो इनका क्या है am इज इक्वल टू gn, क्या आ जाएगा g है 1-a प्लस 1-b प्लस 1-c अपॉन 3 इज ग्रेटर देन 1-a, 1-b, 1-c की पावर, पावर क्या आ गई है 1/3। यहां से क्या आ गया है 1, 2, 3 आ गया, 3-3 कॉमन ले लिया दोनों, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 इज ग्रेटर देन 1-a, 1-b, 1-c की पावर 1/3, की पावर क्या आ गई है 1/3। वी हैव 3a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन क्या है 1, 1 अगेन क्या आ जाएगा 3-1, 3-1 अपॉन 3 इज ग्रेटर देन 1-a, 1-b, 1-c की पावर 1/3, 3 क्या 2/3 इज ग्रेटर देन 1-a, 2 क्यूब कर दिया तो क्या आएगा 2/3 1-a, 1-b, 1-c, 1-c इफ ए बी आर, देखो यहां तक बात नहीं आ गई, एक इनइक्वालिटी आ गई, इसका भी इस्तेमाल करेंगे, मान लीजिए इसे यही छोड़ दे, देखो भाई अब ए बी आर इनइक्वालिटी है, अगर ए बी दो पॉजिटिव नंबर है देन वी हैव क्या रहेगा ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 2ab, सिमिलरली फॉर बी प्लस सी इज ग्रेटर देन 2bc, सी प्लस ए इज ग्रेटर देन 2ca, फॉर ए एम इज ग्रेटर देन जी, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा क्या आएगा ए बी 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 प्लस सी सी प्लस ए इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन 8abc,
किया जाएगा ये ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू टू, इधर टू आ गया जाएगा ना, ए प्लस बी बाई टू इक्वल ग्रेटर देन टू ए बी, टू इधर मल्टीप्लाई करिए ए प्लस बी इक्वल टू टू, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके क्या जाएगा तीनों को, वी है ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए इज ग्रेटर देन एट ए बी सी, इज ग्रेटर देन एट ए बी सी, ए बी ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए इज ग्रेटर देन एट ए बी सी, इट मीन्स वी हैव दैट वन माइनस ए वन माइनस बी वन माइनस सी इज ग्रेटर देन एट ए बी सी, सिमिलरली वन माइनस ए वन माइनस बी वन माइनस सी इज लेस देन टू बाई थ्री की पावर क्यू, टू बाई थ्री की पावर क्यू, हेंस वी हैव दैट एक तो ये आ गया, एक क्या आ गया वन माइनस ए, एक क्यों आ गया वन माइनस ए वन माइनस बी वन माइनस सी इज ग्रेटर देन ए, इज ग्रेटर देन ए ए बी सी, इज ग्रेटर देन यानी वन माइनस ए वन माइनस बी वन माइनस सी क्या आ गया एट ए बी, ठीक है भाई, ये आ जाएगा आगे बढ़े भाई, आगे क्वेश्चन है चेक करना है, प्रूव दैट टू की पावर एन, टू की पावर एन इज ग्रेटर देन वन प्लस एन रूट टू की पावर एन माइनस वन, रूट टू की पावर एन माइनस वन होल ऑल एन ग्रेटर देन टू, होल एन ग्रेटर देन टू वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर, टू की पावर एन इज ग्रेटर देन वन प्लस एन, टू और एन इक्वल टू वन प्लस एन, टू की पावर एन इक्वल टू वन, देखो ये गिवन है टू की पावर एन इज ग्रेटर देन वन प्लस एन, टू की पावर एन माइनस वन, ये प्रूव करना है, इसको क्या कर लिया टू की पावर एन माइनस वन को इधर लिया गया, टू की पावर एन माइनस वन इज ग्रेटर देन एन इंटू टू की पावर एन माइनस वन, यहां तो बात समझ आ गई मेरे भाई, अब क्या करा मैंने टू की पावर एन को मजू को क्यों लिख लिया, इसे लिख लिया टू माइनस वन इज एन टू की पावर एन माइनस वन, ये लिख अच्छा ये क्या लिखा है टू की पावर एन माइनस वन, ये है ये फॉर्मूला है ए इंटू यानी ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, आर माइनस वन,
आर की वैल्यू क्या है यहाँ, टू है और ए की वैल्यू वन है, तो सीरीज क्या आ गई इसमें, वन प्लस टू, वन प्लस टू प्लस टू का स्क्वायर प्लस टू का क्यूब अपॉन टू की पावर एन, ये इस तरह की सीरीज आ जाएगी। इसका एन टर्म्स का ये सब निकालना है, टू पावर एन माइनस वन। ये आ गया, ये क्या आ गया, ये इसका सीरीज आ गया, वन प्लस टू का स्क्वायर प्लस टू का क्यूब अब थ्री, अब नाउ वी दैट दैट देयर अरिथमेटिक मीन फॉर एन पॉजिटिव नंबर्स विल बी ग्रेटर देन टू ज्योमेट्रिक मीन, इट मीन्स वी हैव दैट वी हैव दैट वन प्लस टू का स्क्वायर प्लस टू का क्यूब टू की पावर एन माइनस वन अब टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन इंटू टू का स्क्वायर इंटू टू का क्यूब अब टू टू की पावर एन माइनस वन की पावर होल की पावर वन की पावर एन माइनस वन की पावर वन बाई एन, जितने भी टर्म्स होंगे इसके वन बाई एन होंगे। यहां दबा समझ में इसकी आरएचएस क्या आ गई इसकी, अब मान लिया इसकी आरएचएस है, ये आरएचएस क्या है इसकी, आरचेस है ये वन इंटू टू, ये क्या जाएगी भैया देखो, ये आ जाएगी वन इंटू टू का स्क्वायर इंटू टू का पावर टू, टू की पावर फोर इंटू टू की पावर एन माइनस वन की पावर वन बाई एन, ये दोनों जो है प्लस कर दूंगा, क्या आएगा टू की पावर वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर अब टू एन माइनस वन की पावर वन बाई एन, वन प्लस टू प्लस थ्री फोर अप टू पावर एन, इट मीन वी हैव दैट ये क्या आएगा एन इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन इसके मतलब क्या आएगा टू की पावर टू की पावर एन माइनस वन बाई टू, क्या आएगा टू की पावर एन माइनस वन अपॉन टू, क्या है टू की पावर एन इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस एन माइनस वन टर्म्स है एन माइनस वन, एन माइनस वन इंटू एन, एन प्लस वन और एन से एन जाएगा, क्या आएगा टू की पावर एन माइनस वन बाई टू, क्या आएगा टू की पावर एन माइनस वन बाई टू, क्या आएगा टू की पावर टू की पावर एन माइनस वन बाई टू, टू की पावर एन माइनस वन बाई टू, इट मीन्स वी हैव और यहां एन भी आएगा, तो क्या टू की पावर एन माइनस वन बाई टू, इट मीन्स वी हैव दैट इधर भी लिख सकता हूँ मुझे, इट मीन्स वी हैव दैट ये आ गया वन प्लस टू टू की पावर एन इज इक्वल टू क्या आ गया टू की पावर और एन है ये, एन को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, ये अपॉन एन, ये
इट मीन ये क्या आगे नहीं लेने की लेकिन वन प्लस टू का स्क्वायर प्लस टू की पावर थ्री प्लस टू का फोर अब टू ये कहते हैं एन इंटू या जगह इधर के एन इंटू टू की पावर एन माइनस वन कर एन की क्या जाएगी इधर जाएगी है एन इंटू या जाएगी टू की पावर एन माइनस वन क्योंकि इनका जो है ये सम है भाई बात सुनिए भाई ठीक है आगे बेटा देखो ये है टू की पावर एन इसे इधर लिया ये टू की पावर एन माइनस वन ये जीपी रखी है एन टर्म की ये जीपी रखी है इसकी ये जीपी रखी है सम ऑफ एन टर्म इसका जो है ज्योमेट्रिक मीन अर्थमेटिक मीन और ग्रेटर ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इसका ज्योमेट्रिक मीन मल्टीप्लाई कर दी आ गया टू की पावर एन माइनस वन माइनस इसको एन को जो है इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जाएगा एन इंटू टू की पावर एन माइनस वन एंड इट विल बी द एन इंटू टू की पावर एन माइनस वन अब क्या है वेटेड मीन्स वेटेड मीन्स वेटेड मीन्स मीन्स वेटेड मीन्स मीन्स ए आई के नंबर हो ए आई इक्वल टू वन ग्रेटर देन जीरो फोर आई इक्वल टू वन टू थ्री अब एंड डब्ल्यू आई इक्वल टू जीरो फोर आई इक्वल टू वन टू थ्री अब यानी ए आई इक्वल टू कोई नंबर है उनके वेट जो है देयर वेट इज डब्ल्यू आई है फोर एच वी शो दैट द वेटेड मीन वी शो दैट द वेटेड मीन वेटेड अर्थमेटिक मीन मीन वेटेड वेटेड अर्थमेटिक मीन्स की वेटेड अर्थमेटिक मीन की क्वेश्चन डब्ल्यू वन ए वन प्लस डब्ल्यू टू ए टू प्लस डब्ल्यू थ्री ए थ्री एंड डब्ल्यू एन ए एन अपॉन डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री प्लस डब्ल्यू वन क्या आएगा डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री अप टू डब्ल्यू एन आर वेटेड अर्थमेटिक मीन सिमिलरली वेटेड ज्योमेट्रिक मीन वेटेड वेटेड ज्योमेट्रिक मीन वेटेड ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू क्या आएगा ए वन ए वन अब वेटेड ज्योमेट्रिक मीन्स क्या जाएगा डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री डब्ल्यू एन वेटेड हार्मोनिक मीन्स इक्वल टू वेटेड हार्मोनिक मीन्स इक्वल टू वेटेड हार्मोनिक मीन्स इक्वल टू डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू प्लस डब्ल्यू थ्री डब्ल्यू एन अपॉन
इज इक्वल टू डब्ल्यू वन अपॉन क्या आएगा, एच वन अपॉन डब्ल्यू वन ए वन प्लस डब्ल्यू टू अपॉन ए टू डब्ल्यू थ्री अपॉन ए थ्री डब्ल्यू थ्री अपॉन ए थ्री डब्ल्यू एन अपॉन ए एन डब्ल्यू वन अपॉन ए वन डब्ल्यू थ्री ये आ गया। यानी कि अगर कोई ये ए वन ए टू नंबर है स्लोप में इनका वेट ये है इन तक के, तो वेटेड अर्थमेटिक मीन्स आ गया डब्ल्यू वन ए वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू एन अपॉन डब्ल्यू वन डब्ल्यू एन एंड द ज्योमेट्रिक मीन्स इज इक्वल टू ए वन ए टू ए थ्री ए एन अपॉन डब्ल्यू वन डब्ल्यू एन। सिमिलरली द वेटेड हार्मोनिक मीन्स डब्ल्यू वन डब्ल्यू थ्री डब्ल्यू डब्ल्यू एन अपॉन डब्ल्यू वन अपॉन ए वन डब्ल्यू टू ए टू डब्ल्यू थ्री ए थ्री इक्वल टू डब्ल्यू एन ए एन। इफ फॉर वही है फॉर्मूला वेटेड मीन भी इक्वल वही होगा जो इक्वल और ग्रेटर होगा, जैसे ए जी एम ए इज ग्रेटर देन जी इज ग्रेटर देन एम था। सिमिलरली अर्थमेटिक मीन वेटेड वेटेड अर्थमेटिक मीन यानी कि वेटेड अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन वेटेड ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन टू वेटेड हार्मोनिक मीन। इफ पहली कंडीशन यह है, दूसरी कंडीशन यह है इफ इनके वेट इक्वल हो डब्ल्यू वन इक्वल टू डब्ल्यू टू इक्वल टू डब्ल्यू थ्री एंड सो ऑन। इनके जितने भी एन टर्म के वेटेड हैं उनके क्या होने चाहिए, सभी इक्वल हो और सारे डब्ल्यू के इक्वल है मान लिया, देन मान लिया डब्ल्यू के इक्वल है देन देयर कोरस्पॉन्डिंग मीन्स विल बी इक्वल देन देयर मीन्स देयर these means are the same corresponding simple mean these means are equal these means are equal means are equal means are corresponding so yeah agar w1 w2 w3 and wn are equal then the mean are equal the corresponding simple mean corresponding simple means ये क्या क्या कहना चाह रहा भाई, ये कहना चाह रहा कि नंबर है इनके वेटेड है ये अर्थमेटिक मीन आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा इसका, ये हार्मोनिक मीन आ जाएगा। और हार अर्थमेटिक मीन वेटेड इज ग्रेटर देन जिसे सिंपल में भी तो ये पढ़ा था, सिंपल में ये नहीं था अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। सिमिलरली वेटेड मीन भी यही होगा और इनके वेट इक्वल है तो इनके मीन भी सिंपल कोरस्पोंडिंग मीन्स के इक्वली होंगे। ठीक है और कोई प्रॉब्लम आज के लिए इतना ही है, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट स्टैंडर्ड भी मिलते हैं।